तो बेसिकली आपके सामने एक रिपोर्ट दिख रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट को मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और इसी रिपोर्ट को हम बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सेल्स रिपोर्ट है। इस सेल्स रिपोर्ट को आपके साथ हम बनाएंगे, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें फिगर है। सबसे पहले जो मेरा डेटा है उस डेटा को समझते हैं, फिर हम इस रिपोर्ट को समझेंगे। देखिए एक सेल्स का डेटा है मेरे पास। सेल्स डेटा आप एक बार देख सकते हैं कि इसमें किस डेट को किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा होगा। कौन सा प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि कितनी यूनिट में बिका है, रेवेन्यू कितना हुआ है, प्रॉफिट शेयर कितना है, और साथ में इसमें ये भी दिखा हुआ है कि कस्टमर क्या रिपीट था या आपका रिपीट कस्टमर था या फिर वन टाइम फर्स्ट कस्टमर आया है, वो चीज यहां पे दिया हुआ है। ठीक है सर, अब इसको हम आपके सामने इसके थ्रू हम यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाएंगे जो कि हमारे पीपीटी में दिख रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू होगा, डेट के हिसाब से रेवेन्यू का शेयर भी दिखाया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफिकल मैप के जरिए सेल्स का फिगर दिखाया जाएगा। यहाँ पे सेल्स शेयर कि किस प्रोडक्ट ने कितना सेल किया है उसका शेयर यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद न्यू साइनअप कितने हुए, यहाँ पे रिपीट ऑर्डर्स कितने हैं, कितने टोटल सोल्स यूनिट की गई है और कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। उसके बाद यहां मैं दिखाना चाहता हूं सेल्स का शेयर कितना परसेंट सेल्स का शेयर है हमारा, रेवेन्यू शेयर्स। उसके बाद यहां पे टॉप 5 प्रोडक्ट और यहां पे टॉप 5 कस्टमर, राइट। तो चलिए इसको हम आपके सामने करते हैं। समझ में आ गया रिपोर्ट क्या है हमारा। तो डेटा हो गया, ये हमारा समरी सीट बन रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू चाहिए डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जून का डेट है। ये कितना कहाँ का है, जून का डेट है, 1 से 31 तारीख का जून का डेट है। अब यहाँ पे डेट वाइज सेल्स निकाल सकते हैं कि टोटल डेट और कितने सेल्स हुए, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डेट वाइज सेल्स, राइट सर। तो हमने यहाँ पे यूनिक का फंक्शन लगाता हूं। अब क्योंकि डेट मैनुअली भी डाल सकते हैं, लेकिन हर बार आपको डेट डालना पड़ेगा, हर महीने का डेट डेटा अगर चेंज होता है तो, क्योंकि हम रिपोर्ट जो बना रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि एक ही महीने का रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हमने यूनिक का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है सर। तो यहां भी डेट हटा देते हैं, हाँ सारे डेट्स आ गए नंबर्स फॉर्मेट में, इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। अब यहां पे देखिए बीच में एक जीरो आ गया, तो यहां हम फॉर्मूला में लगा सकते हैं यूनिक अगर ए इक्वल टू जीरो है तो यहां पे ब्लैंक, अदरवाइज जो यूनिक का फॉर्मूला है वो ही चले। ये चीज भी मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे डेट सारे आ गए। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर डेटा में कोई डेट चेंज इसमें कोई डेट चेंज होता है तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे रेवेन्यूज का टोटल चाहिए, कितना रेवेन्यूज है, कितनी यूनिट सेल हुई है, इसका टोटल चाहिए, राइट सर। तो रेवेन्यूज के लिए हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि सम इफ, हम चले जाते हैं डेटा में सेलेक्ट करते हैं क्राइटेरिया रेंज डेट, फिर A2 को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे हमारा रेवेन्यूज सेलेक्ट हो जाता है। बट 1 जून को जीरो क्यों आ रहा है, अच्छा A3 करना चाहिए था, हमने A2 कर दिया, A3। अब नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं और इस पे अगर रुपीज का सिंबल लगा दे तो बेटर रहेगा। तो रुपीज का सिंबल आप यहाँ पे जाके लगा सकते थे, यहाँ पे
बट मेरा क्या है कि डिफॉल्ट जो है इंडिया रीजन सेलेक्ट है, तो इसलिए ऑटोमेटिक ये आ गया। अब यहाँ पे यूनिट के लिए भी हम सेम सम इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, रेंज में जा रहे हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं डेट को, यहाँ पे A3 को, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं यूनिट को, तो ये हमारा यूनिट का सेल आ गया। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी ले लेते हैं परसेंट, बट प्रॉफिट परसेंट क्या है कि अगर हम सारे प्रॉफिट परसेंट को सेव करते सम करते तो कई 100 गुना हो जाएगा ना सर, देख रहे हैं ना सर, 1788% आ जाएगा। मैं इसका एवरेज निकालें, क्योंकि बता रहा है कि भाई 10 यूनिट हुआ है, हम इस पे हमारा 56% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसकी जो लागत थी, माने इसमें जो प्रॉफिट 5661 में जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमारा वो 5600 का है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट निकालना है, तो हमें एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ पे हम एवरेज इफ का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एवरेज इफ का। तो यहाँ पे एवरेज इफ का हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, एक सेकंड, हाँ तो सर मैंने यहाँ पे आप बता रहा हूँ दोबारा कि मुझे एवरेज एवरेज निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाया, और हमने डेटा में चले गए, और डेटा में हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा किया A3, और फिर यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट परसेंटेज ले लिया, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है रेवेन्यू से, तो एक निकल जाएगा, लेकिन ये 24600 जो है ये आप हमारा एवरेज सेल ए है, मतलब प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना होगा, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट का एक कॉलन एज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है सर, जो कि हर दिन का प्रॉफिट निकाल के देगा। तो चलिए एक बार हम मैच करके देख लेते हैं कि प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से प्रॉफिट सही निकला है या नहीं। तो हम वापस यहाँ पे सम इफ लगा के, और हम रेंज में जाते हैं, डेटा रेंज में डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा A3 कॉमा, और प्रॉफिट की जगह पे क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं, तो आई थिंक ज्यादा का अंतर नहीं है ना, समझे सर, ज्यादा का अंतर है सर, 300 का है, और जैसे कि अब हमने सांख्यिकी में पढ़ा था कि एवरेज जो है लगभग होता है ना सर, यही पढ़ा था सर हमने, लगभग होता है, तो एवरेज ही रहने देते हैं, राइट सर, क्योंकि प्रॉफिट में और भी चीजें हो सकती है, इसलिए हम एवरेज ही रहने देते हैं। उसके बाद इसको अच्छा सा एक फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में पूरा ही करना पड़ेगा, इसको हम सेंट्रल करते हैं सबसे पहले, और इसको प्रॉफिट, अब इसमें देखिए यहाँ पे जीरो और ये इस तरह का एरर आया हुआ है, दिख रहा है सर, तो हमने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है ना, लगाया हुआ है, हमने इफ बोला कि अगर सामने वाली वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाए, उसके बाद सबमिट चले, एक सिंपल सा इफ का फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया, वो 30 से 31 दिन का चक्कर होता है ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो सेम यहां भी हम यहां पे हम करते हैं कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो
तो ऑल्सो ब्लैंक, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। और यहां भी हम सेम करते हैं कि इफ अगर साम ए वाली वैल्यू और डेट अगर ब्लैंक है, ए भी ब्लैंक आ जाए, और फिर इसको भी नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। अब इसको एक अच्छे से हम कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो सीट बनाने वाले हैं। एक तो हमारा डेटा शो करेगा, समरी शो करेगा, दूसरा हमारा डैशबोर्ड में चार्ट शो करेगा, और दोनों के आपस में हम इंटरलिंक बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेली सेल्स का, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ नहीं, ए टू नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि सर डेट हमारा ए थ्री से स्टार्ट था ना, ए से ए थ्री लिया था, ये रहा ना, ए थ्री पे डेट है ना, डेट के हिसाब से सम करना है ना हमें। हाँ डेट के हिसाब से ए थ्री करना, ए थ्री हमें करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि हमें रेवेन्यू का ये चाहिए कि रेवेन्यू कितना टोटल हुआ, तो मैं रेवेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ, और फिर इसके ऊपर हम चार्ट यूज करते हैं, इंसर्ट, और लाइन चार्ट चाहिए, हम एरिया चार्ट, सॉरी एरिया चार्ट चाहिए। तो आप देख पा रहे चार्ट बन नहीं रहा ना, क्यों नहीं बना, क्योंकि रीजन यहाँ डेटा में नीचे ब्लैंक आ गया, इस कारण से कंफ्यूज हो गया है चार्ट। तो आपको क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा एक ब्लैंक चार्ट, कौन सा चार्ट, एक ब्लैंक चार्ट, और ब्लैंक चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके आपको जाना होगा सेलेक्ट डेटा, और यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया डेट, और यहाँ जो हमारा सेल्स है इसको यहां पे ले लेते हैं, राइट, एंड ओके। नहीं हमने गलत कर दिया, माफ कीजिए, हमने गलत कर दिया, वापस एडिट करते हैं। हमें इसके अंदर में डेट नहीं डालना है, हमें इसके अंदर में अपना रेवेन्यू डालना है, ओके रेवेन्यू। और ये जो 1 2 3 नीचे आ रहा है, जो कि आपका ये बनता है, ये होता है डेट के लिए, उसके अंदर हमने अपना सेलेक्ट कर लिया एंड ओके एंड ओके, और डेट को, इस चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे सेलेक्ट करके बड़ा फुल स्क्रीन में हम लोग कर देते हैं, एक पूरा फुल स्क्रीन। और इसकी अपनी एक अच्छी फॉर्मेटिंग आपका है, जो फॉर्मेटिंग लेना चाहे वो फॉर्मेटिंग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ए वाली फॉर्मेटिंग ले ली। डेट के जगह पे जो हमारा टाइटल है हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे सेल्स बाय डेट, ओके। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, इसमें और जो और चीजें जो है यहाँ पे, और बाकी चीजें अगर कोई टाइटल शाइटल देना चाहते हैं और कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यू हैव, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा करने पे टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा, सो हम यहाँ पे छोड़ते हैं। फिर अगला जो हमारा आता है वो आता है कि मुझे टोटल ये चाहिए, न्यू साइनअप्स कितने हुए हैं वो चाहिए। तो ये सब चीज हम डेट के हिसाब से ही निकाल, ठीक है सर, ओके। तो इसी सीट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू VS, अब इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये रेवेन्यू, अब यहाँ पे मुझे रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, तो मुझे यहाँ पे देना है कि भाई न्यू कस्टमर कितने आए और रिपीट कितने हो गए, मतलब कि रिपीट कितने हुए और टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ, सोल्ड यूनिट, और यहां पे बाकी प्रॉफिट मार्जिन क्वांटिटी, इसकी जरूरत नहीं है यूनिट की सेल, इसकी जरूरत,
एक सेकंड, हेलो तो न्यू के लिए यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ्स का, क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडीशन चेंज हो गया, समझ रहे हैं सर? तो मैं डेटा में जा रहा हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, काउंट नहीं, इसमें सम थोड़ी करना है, मुझे काउंट करना है कितने आए। तो यहां पे लगाएंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में सबसे पहले तो डेट को सेलेक्ट करूंगा, फिर यहां पे A3 डेट डाल दिया, क्योंकि डेट A3 में है इसे डाल दिया। उसके बाद हमने लिया अपना टाइप, और टाइप में हमने सेलेक्ट कर दिया न्यू, मैनुअल लिख दीजिए या फिर सेलेक्ट कर दीजिए, राइट सर? समझे? अब इसको नीचे की तरफ, अब यहाँ पे जो मैनुअल न्यू लिखा है इसके जगह पे आप ऊपर का जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और इसको फ्रीज करना पड़ेगा फिर आपको, फिर इसी तरफ ड्रैग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कि टोटल 6। अच्छा, हर दिन 6 ही हुआ है, 1 मिनट, ये तो गड़बड़ है डेटा हमने। अच्छा मान लीजिए मैं 1 जून उठाता हूँ, तो उस दिन जो है 3 और 3 6, सही है, सही है सर, हर दिन एक ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लगाता हूँ रैंड बिटवीन का, क्योंकि डेटा है तो हम चेंज कर देते हैं, और थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए ना सर, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ, ये मेरे लिए होता है, आप लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस में ऐसा ही नहीं करना पॉसिबल नहीं होता है। 1,2, और यहाँ पे हमने कर दिया क्या बोलते हैं उसको, न्यू कॉमा। नहीं ऑल नहीं, रिपीट है, रिपीट कर देते हैं, REPEAT, और इसको नीचे की तरफ कर देते हैं ड्रैग। तो अब जो है मेरे न्यू VS ओल्ड में चेंज हो गया ना सर, चेंज। अब इसको कॉपी करके मैं वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, तो डेलीज यहाँ पे आते हैं, और सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, और इस पे F2 के जगह पे C2 हो जाता है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद सोल्ड यूनिट का फॉर्मूला वही है जो यहाँ दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है? और थोड़ा सा डार्क अगर दिखाना है रिपोर्ट को, तो इसको मैंने हेडिंग को कर दिया ब्लैंक ब्लैक, और इसको कर दिया मैंने व्हाइट, और इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव, और बॉर्डर, इसमें मैं बड़ा वाला बॉर्डर ले लेता हूँ, डॉट लाइन लिया, डॉट लाइन को थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ इस तरह का, और हमने इसको बीच का ले लिया, और पेज लेआउट में गया, और मैं यहां से इसको रिमूव कर दिया।
ठीक है सर। और यहाँ पे समरी में डाल देते हैं कि टोटल में कि न्यू जो है और रिपीट है, सॉरी रिपीट, और यहाँ पे टोटल सोल्ड। और यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला सिंपल सा लगा दें, इसको सम कर दिया, इसको सम हो गया, और सोल्ड को भी सम कर देते हैं, इतनी यूनिट सोल्ड हुई है। और इस पे भी हम सेम देते हैं हल्की एकदम। और इस पे अब मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, दो चार्ट भी लाइन, तो लाइन चार्ट यहाँ पे लिया राइट क्लिक, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट डेटा में ऐड, यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू, और यहाँ हम न्यू वाला सेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगेन ऐड, यहाँ पे कर देते हैं रिपीट, रिपीट, और रिपीट में भी हम जो है रिपीट वाला जो पार्ट है उसको ले लेते हैं। और यहाँ डेट के लिए डेट लेते हैं ताकि एक्सिस जो है डेट का एक्सिस आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि चार्ट में अचानक नीचे गिर गया ना, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में यहाँ जीरो आ गया, तो हमें क्या करना है, इफ का कंडीशन वही अप्लाई करना है कि अगर डेट अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलेगा। तो यहाँ भी हमको सेम चीज लेनी है, और यहाँ सेलेक्ट करके हम कर देते हैं, सॉरी ये कंट्रोल जेड करते क्योंकि फॉर्मेटिंग रिप्लेस होगी हमारी, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ओनली कॉपी सेल विदाउट फॉर्मेटिंग, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग में कोई छेड़छाड़ ना हो। और यहाँ भी हम सेम करेंगे कि इफ अगर ए वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन ब्लैंक तो ऑल्सो ब्लैंक, और नीचे एंट्री करते हैं और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ भी हम कर देते हैं फिल ओनली विदाउट फॉर्मेटिंग, ताकि फॉर्मेटिंग नहीं। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो अलग अलग चार्ट रहता तो अच्छा रहता ना सर, क्या? तो वो हमने इसको यहां रख दिया, अब समझ में आ रहा है। अब इसकी एक अच्छी सी फॉर्मेट हम ले लेते हैं, शॉर्ट ये रहा यहाँ, सॉरी फॉर्मेट ऊपर मिलेगा ना हमें चार्ट डिजाइन में, ये भी रख सकते हैं, हाँ ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आगे तक थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि डेट वाइज है इसलिए फ्लो दिखेगा हमें। और यहाँ पे अब इसी चार्ट को कंट्रोल प्रेस करके मैं नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ आइए, ये आपका कॉपी हो गया। अब मुझे चाहिए रिपीट पे, तो कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ उठा के रिपीट पे डाल दीजिए, हो गया रिपीट का। और रिपीट वाला जो फॉर्मेट है थोड़ा अलग रहेगा, तो दोनों में कंपेयरिंग अच्छा रहेगा, समझ गए सर? तो इसकी भी फॉर्मेट डिजाइन में आते हैं, और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ए वाली कर देते हैं, ए बेटर है ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स, यहाँ पे न्यू कस्टमर सेल्स, और इसको थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना है, बड़ा बड़ा वगैरह कर दीजिए, और बोल्ड कर दीजिए, अनलाइन कर दीजिए, आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और फिर मैं इसको नीचा कर, थोड़ा सा नीचा करता हूँ, और इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे रिपीट कस्टमर सेल,
मतलब ऐसे कस्टमर जो रिपीट हुए हैं, नए नहीं, ठीक है। तो यह हो गया रिपीट कस्टमर सेल्स, राइट सर। अब यहां पे मुझे प्रोडक्ट बाई सेल आ जाएगा, सेल्स बाय प्रोडक्ट, नहीं रीजन, रीजन सेल्स बाय रीजन करना ना पहले, सेल्स बाय रीजन, उसके बाद सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ डेटा में ये जो हमारा कस्टमर थ्योरी और रीजन दिख रहा है ना, राइट। तो यहीं पे सेम हम क्या कर रहे हैं, यूनिक का फॉर्मूला। अब आपके पास यूनिक का फॉर्मूला नहीं तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा, याद रखिएगा मैनुअली कॉपी पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, जो कि हम लास्ट क्लास में बताए थे आप। लिस्ट हमें बेसिकली लिस्ट चाहिए होगा, तो मुझे ये हमारा एक लिस्ट चल गया कि हाँ मुझे इतने यूनिक डेटा है इसमें, और यूनिक में डेट नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा मुझे डेट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था यूनिक, और यूनिक में हमें चाहिए था डेटा के अंदर रीजन, कि जो हमारा रीजन क्या है, रीजन आ गया। अब इसमें कुछ रीजन है जैसे कि MUJ है, GGN है, फरीदाबाद है, और फिर ले रहा है फरीदाबाद, ये चीजें नहीं ले रहा है, तो प्रॉब्लम होगी जब हम यहाँ पे ग्राफ ये बनाएंगे चार्ट, तो दिक्कत हो जाएगी, चार्ट बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने सेल्स वाई रीजन में, और अपने B2 से जो हो गया B/B लेना ना, ताकि रीजन बढ़े तो बढ़ा दे। तो इसमें हमें सिंपल सा करना है इसको, इसमें ये वही है प्रॉब्लम, वही है कि इसमें 0 आ गया, तो हमने इफ लगाया कि इफ अगर ए इक्वल टू 0 है तो ब्लैंक, अदरवाइज जो यूनिक चल रहा है उसको चलने दे। अब इसको आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे बनाना है चार्ट, कौन सा चार्ट बनाना है, तो मुझे बनाना है इंसर्ट में एक आता है हमारा मैप चार्ट, मुझे मैप चार्ट चाहिए। तो मैप चार्ट में इसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके डेटा में जाना है, डेटा के अंदर में आपको दिखता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पे क्लिक करेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला है इसलिए नहीं कर पा रहा है, ओके। तो फिर आपको फॉर्मूला हटाना पड़ेगा सर, कोई बात नहीं, इसको रिमूव पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि तो बिना ज्योग्राफिकल से हो नहीं पाएगा, जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक तो कोई ज्योग्राफी में आइडेंटिफाई नहीं करेगा, हटा तो दिया, अच्छा यहाँ से ऊपर से करना है कॉपी, और इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट, तो फॉर्मूला रिमूव हो गया मेरा। तो ऐसा रहेगा, तब ऐसा जब फॉर्म मुझे मैनुअली लेना है तो डेटा में आप जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे, राइट, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट एज ए वैल्यू, और फिर इसमें डेटा मेनू बार के अंदर ही रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए ओके, आपका डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के मैं कुछ सिटी नहीं लिया, जैसे देखिए MUJ नहीं लिया, तो यहाँ डेटा सिलेक्टर आ गया, तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार आ गया, सेलेक्ट कर लिया। अब GGN में ये दिक्कत है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप गुरुग्राम, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जस्ट मुझे चाहिए कि कितनी कितना क्वांटिटी है, बस यहाँ पे यूनिट चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए यूनिट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, और प्रॉफिट AVG प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो सेम हम लगाएंगे फॉर्मूला सम
इफ का, कि सम इफ हम चले गए यहाँ डेटा में, डेटा में गए हमने सेलेक्ट किया सिटी को और ए टू कॉमा मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, बस एक जीरो आया। न्यू दिल्ली टेक्स्ट में इधर है टेक्स्ट, तो इसके लिए हमें एक कॉलम को ऐड, क्योंकि ये इसको फॉर्मूला पिक नहीं कर पा रहा है, इसको फॉर्मूला पिक नहीं कर पा रहा है, तो वही काम करना पड़ेगा। कॉपी कीजिए, अब एक बार और इसको रखना पड़ेगा, दो दो बार रखना पड़ेगा सर, क्योंकि तो जॉब का डेटा इस पे बनेगा नहीं और इस पे हमारा समिफ का फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर दिए। अब जो है समीफ जो हमारा लगेगा इसके ऊपर, इसको हाइड कर देंगे, इसको जाने यहां से इसको हाइड कर देते, ठीक है सर। नीचे तक ड्रैग कीजिए, टोटल डेटा आ गया। सेम यहां पे मैं करेंगे सम इफ और डेटा रीजन बी टू कॉमा क्वांटिटी, और यहाँ पे एवरेज इफ, एवरेज इफ में वापस आए, यहाँ पे डालें और हमारा बी टू, और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते आइटम को, एंटर प्रेस किया परसेंटेज हो गया। सॉरी, अभी नीचे को, नीचे दोनों को नीचे ड्रैग कर देते हैं और इसको एक अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बढ़िया वाला फॉर्मेट से, और इसको सेलेक्ट करके हम करते हैं उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं मैप चार्ट। सॉरी मैप चार्ट, एक राइट क्लिक सेलेक्ट डेटा एड, यहाँ पे सीरीज नेम में हमारा यूनिट आ जाएगा, सॉरी सीरीज नेम है ना, तो यूनिट, और यूनिट में हमने अपना यूनिट सेलेक्ट कर लिया और एडिट करके हम लेवल सेलेक्ट कर लेते, अब चार्ट थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि ये wing.com से आता है तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ गया ना सर। तो अब इस पे राइट क्लिक करके डेटा लेवल कर दीजिए, सर डेटा लेवल भी तो लिया नहीं, सिलेक्ट डेटा, ओके सीरीज वन में क्या दिया हमने एडिट, ओ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं रिमूव, और इसको करते हैं एडिट यूनिट, और ओके अब यहाँ पे सो डेटा लेवल, यहाँ जहाँ जहाँ दिख रहे हैं ना पॉइंट्स दिख रहा होगा, दिख रहा है सर,
यहाँ देखिए यूनिट आ रहा है, थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक करके फॉर्मेट सेंड पे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग है तो लास्ट वाला फॉर्मेटिंग ले लिया है सर, राइट सर। म्यूट कर लीजिए सर। उसके बाद अगला वाइस आता है प्रोडक्ट वाइस, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हाँ सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो यहां भी सेम हम यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यूनिक का फॉर्मूला लगा लें या डेटा में जाए, अपने प्रोडक्ट लिस्ट को यहां से कॉपी करें, ये मैंने प्रोडक्ट टाइप जो है हमारा कि प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से चाहिए मुझे, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ हमने सिंपल सा क्या कर दिया, डेटा मेनू में जाके रिमूव डुप्लीकेट ताकि लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ गया। और यहाँ भी हम सेम टोटल रेवेन्यू, मार्केट शेयर, कितना परस कितना मार्केट शेयर है इसका, और यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं और डेटा में जा रहे हैं, हम सेलेक्ट करें प्रोडक्ट कैटेगरी A2 कॉमा अपनी रेवेन्यूज का और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और यहाँ देते हैं टोटल, और टोटल में इसको करते हैं हम टोटल और मार्केट शेयर जो होगा वो होगा दैट इज डिवाइड बाय टोटल और इसके ऊपर लगेगा परसेंटेज। नीचे ड्रैग करने से पहले B6 को कर देंगे फ्रीज और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहां हम होम में आते हैं, इसको करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी है हमारा, मार्केट शेयर है, इसको लेते हैं और सिंपल सा हम करते हैं कलर, इसको भी करते हैं बोल्ड और इस पे एक फॉर्मेटिंग आती है टोटलिंग वाली। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके इन शॉर्ट और हमारा जो चार्ट है चार्ट लेते हैं। अब इस चार्ट में हम नीचे आते हैं और थोड़ा सा बढ़िया वाला चार्ट देखते हैं और इसको सेलेक्ट कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं शेयर ऑफ सेल्स। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारे, इसके बाद हमें टॉप 5 कस्टमर है, टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 कस्टमर और टॉप 5 प्रोडक्ट दो निकाल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ अपने कस्टमर का डेटा निकाल लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे कस्टमर है इनको कॉपी करते हैं और टॉप 5 कस्टमर में यहाँ आते हैं, पेस्ट कर देते हैं और डेटा में रिमूव डुप्लीकेट यहाँ से कर देते हैं ताकि लिस्ट आ जाए और फिर इसमें हमने डालते हैं कि टोटल रेवेन्यूज कितना है, कितना अमाउंट का सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी इन्होंने ली है और कितना परसेंट का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट यहाँ पे टोटल रेवेन्यूज के लिए तो वही सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इस सम इफ अपने गए डेटा में रेंज को सिलेक्ट किया कस्टमर रेंज को कस्टमर और यहाँ पे A2 कॉमा रेवेन्यूज को सिलेक्ट किया और
क्वांटिटी के लिए भी हम यहाँ पे समिफ का लगाते हैं। समिफ हम वापस डेटा में जाते हैं, हम लेते हैं अपना नेम और वापस ए टू और वापस अपना यूनिट। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट दिखाना है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ क्या। और मैं डेटा में ये जो प्रॉफिट का कॉलन है वो तो ऐड है, ये इसका सम करना है एग्जैक्ट प्रॉफिट। तो डेटा में हमने प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, तो यहाँ पे हम अगेन इक्वल सम इफ और चले जाते हैं डेटा के अंदर, डेटा के अंदर कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं और कॉमा सेलेक्ट करते हैं अपना प्रॉफिट को। एट द रेट सॉरी ए टू समीफ यहाँ पे अब सही है, नीचे तक ट्राई किया, ये तो ऑल ओवरऑल प्रोडक्ट आ गया राइट, ये तो ओवरऑल प्रोडक्ट आया और हमारा जो डिमांड था वो तो अलग था। अब यहाँ पे हम जो सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं टॉप फाइव कस्टमर, तो यहाँ पे सीरियल नंबर नेम और मुझे मान लीजिए कि क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी के हिसाब से हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको याद है हमने लगाया था फॉर्मूला किसका, लार्ज का। तो लार्ज में गए डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा इसको सेलेक्ट कर लिया और हम इसको फ्रीज करके नीचे की तरफ आते हैं, तो टॉप फाइव मेरे पास तो आ गए कि भाई टॉप फाइव नंबर्स कितने हैं। अब यहाँ पे मुझे इसके क्या चाहिए, मुझे इनके चाहिए नेम, तो इंडेक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंडेक्स में रो नंबर के लिए लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, मैच में हम देंगे कि जो क्वांटिटी है उसको दोनों की क्वांटिटी का क्या पोजीशन है, तो क्वांटिटी का पोजीशन आपके सामने आ गया कॉमा जीरो। और फिर यहाँ पे मुझे नेम जो है वापस पहले नंबर कॉलम आ गया नेम, तो इससे हमने निकाल लिया अपना नाम कि हमारा नाम आखिर टॉप फाइव प्रोडक्ट में क्या है, ये रहा हमारा लिस्ट टॉप फाइव। अब इसके ऊपर हम ये करते हैं अच्छा सा फॉर्मेटिंग लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ये करते हैं। और टॉप फाइव कस्टमर है तो इसको हम सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं और अपना डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम लगाते हैं अपना इस बार बार चार्ट, ये रहा हमारा बार चार्ट। अब बार चार्ट में अब देखिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है, मुझे ऊपर से नीचे चाहिए था, तो इसको सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक फॉर्मेट एक्सिस और इसमें आपको आएगा रिवर्स कैटेगरी, इसी में आप देखेंगे टिक्स मार्क्स में कहीं पे दिखेगा रिवर्स, फिर रिवर्स कैटेगरी, तो ये आपका हायर फिर लोअर फिर लोअर फिर लोअर आ जाएगा और इसको फॉर्मेट एक्सेस करके आपको नेक्स्ट इसमें आएगा आपको लेबल्स नेक्स्ट टू एक्सेस हाई कर दीजिए नीचे आ जाएगा। और एक क्वांटिटी है इसके जगह पे हम देते हैं टॉप फाइव कस्टमर, टॉप फाइव कस्टमर, ठीक है सर। और इसको हाँ इसको यही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फॉर्मेटिंग अगर अलग रखना चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आप अलग कर सकते हैं, चार्ट डिजाइन में जाइए और ले लीजिए अच्छा सा फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग सूट करता है आपको, जैसे ये रहा ये भी ले सकते हैं, चाहे ए भी यही सही रहेगा, यही रहेगा सही। अब लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है टॉप लास्ट है मेरा, अब आता है टॉप फाइव
प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने यहाँ पे सेल्स बाय प्रोडक्ट यहाँ किया हुआ है ना, नहीं इस प्रोडक्ट है सॉरी, इस प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, तो प्रोडक्ट का भी सेम है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर दिया रिमूव डुप्लीकेट। बट प्रॉब्लम है कि मेरे पास जो है वो टोटल पांच ही है, पांच ही छह है टोटल ना, तो यहाँ पे हम यूनिट कर देते हैं टोटल, टोटल रेवेन्यू सेम लेंगे टोटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम देते हैं सम इफ, सम इफ में जाते हैं डेटा, अपना सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और सेलेक्ट करते हैं A2 कॉमा और ले लेते हैं रेवेन्यू, और यहाँ भी सेम इक्वल सम इफ, डेटा में जाते हैं और लेते हैं अपना यहाँ पे प्रोडक्ट A2 एंड यूनिट, A2 मतलब ये रहा, इसको हम A2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ और बात नहीं है इसमें, और इसको भी सेलेक्ट करके होम, और इसको भी यहाँ पे हम दोनों दे देते हैं राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए टॉप फाइव प्रोडक्ट, तो टॉप फाइव प्रो प्रो डॉट यहाँ पे सीरियल नंबर प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे लार्ज का फॉर्मूला, लार्ज हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा इसको सेलेक्ट किया, और फिर C2 से A2 को यहाँ से हम फ्रीज कर दिए F4 से, राइट सर, और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, सॉरी ये जो माफ कीजिए F5 को नहीं करना चाहिए था, नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग किया। अब मुझे इसका प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो वही फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, इंडेक्स डेटा को सेलेक्ट कर लिए कॉमा मैच, मैच में हमने सेलेक्ट किया कि इसको, और हमने बोला कि इसमें मैच करके कॉमा जीरो, और नेम तो आपका पहले नंबर पे है तो वन दे दिया, ठीक है। समझे सर, ए तो हो गई हमारी, और नीचे की तरफ ड्रैग करते समय क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, और इसको भी हमने फ्रीज कर लिया, और इसको नीचे की तरफ, सुरेश जी आवाज आ रही सर, चलिए तो यहां तक हो गया राइट। अब इस पे हम प्रोडक्ट कहते एक हिसाब से हमें चाहिए वही बार चार्ट, तो इंसर्ट किया बार चार्ट, ये वाली बार चार्ट, और बार चार्ट जब इंसर्ट कर लिया हमने,
यहां से अपना बार चार्ट का फॉर्मेट ले लेते हैं, और वही हम चाहते हैं कि घटते हुए क्रम में, हमें उल्टा हो गया मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में चला गया, हम चाहते हैं घटते हुए क्रम में आए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक हम जाएंगे फॉर्मेट, सॉरी फॉर्मेट एक्सिस, और इसमें आता है रिवर्स कैटेगरी। जब रिवर्स कैटेगरी करते हैं तो नीचे वाला जो 1 2 3 ऊपर चला जाता है, जो उसको सेलेक्ट करके नीचे आपका लेवल में नेक्स्ट टू एक्सिस में हाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा, और इसको आप जो है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसको भी थोड़ा सा बड़ा बोल्ड, सॉरी बोल्ड, और इसको थोड़ा सा बड़ा, बाकी पेज लेआउट में जाएं, इसकी ग्रिड लाइन को हटा दें, और यहां भी इसको भी सेम ऐसे करते हैं टॉप है, क्योंकि फिगर तो यहां पे है ही, फिगर देखने की जरूरत तो है नहीं। अब मैं यहां पे बड़ा करके, हाँ इस पर चाहो तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर सकते हो। डेटा लेबल पे क्या होगा कि लेबल आ जाता है, तो आपको ऊपर डेटा जो हमने रखा होगा उसको रखने की जरूरत नहीं, तो डेटा लेबल हम किसी भी चार्ट पे ऐड करके ला सकते हैं। गुड इवनिंग प्रशंसा जी, नहीं क्लास बेसिकली टुकड़ा में है, एक क्लास सुबह 8 बजे का है, लेकिन इसके बाद का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों का भी उसी सेम टॉपिक है, तो मैंने मर्ज कर दिया। तो अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या बनाया, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हमारे पास डेटा है। डेटा क्या है? डेटा है हमारे पास कि यहाँ पे नेम है, रीजन है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और कस्टमर टाइप सेल्स लीड। अब इससे मैंने कुछ एनालिसिस किया है। सबसे पहले एनालिसिस किया है यहाँ पे डेली सेल्स कि पर डे के हिसाब से सेल्स मिला, और हमने चार्ट लाइन एरिया चार्ट बनाया है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा न्यू सोल्ड कि नया कितना कस्टमर लिया और रिपीट कस्टमर कितने थे, ये हमने एक रिपोर्ट सम इफ की मदद से बनाया हुआ है। डेली सेल्स बाई रीजन में यहाँ पे हमने हमारे पास किस सिटी में कितना कितना सेल हुआ है उस सिटी, और हमने यहाँ पे मैप चार्ट लिया, तो ये जो दिख रहा है मैप के जरिए इंडिकेट कर रहा है। इस पर हम डेटा डेटा लेबल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ डेटा लेबल भी आ जाना चाहिए बट आया नहीं। शो मोर डेटा लेबल ऑप्शंस में आते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू है, कैटेगरी नेम है, सीरीज नेम है, और यहाँ पे कलर, तो सॉलिड, और इसमें हम व्हाइट कलर दे दीजिए, या कोई और कलर देना है तो और कलर भी दे सकते हैं। और बाकी सारा दे दीजिए, तो ये बता देगा कहाँ पे क्या 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 चार फील हुआ है वो बता रहा है। सेल्स बाई प्रोडक्ट है कि किसी प्रोडक्ट का क्या सेल हुआ है, टॉप कस्टमर, टॉप एरा। अब बेसिकली इन सबों की मदद से मुझे इस तरह का रिपोर्ट बनाना है जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने हैं। तो चलिए हम एक समरी शीट क्रिएट करते हैं, समरी या डैशबोर्ड कर लीजिए या समरी कर लीजिए, राइट। और यहां पे हम सबसे पहले तो टाइटल देते हैं अपना, एक एरिया ले लेते हैं जिसपे हमें जिसपे रिपोर्ट बनाना है, और उस एरिया को हम कर देते हैं कलर, हल्का कलर कर देते हैं यहाँ से ये वाला, ठीक है। और उसके बाद इसको लेते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर व्हाइट करके, या कोई और करना चाहते हैं कर सकते हैं, मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स एनालिसिस मंथ जून 2022, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा यहां बड़ा कर दिया।
सबसे पहले टोटल रेवेन्यू जो है वो आना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू में सेल्स वाइज है, इसको लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम ले जाते हैं समरी में, क्योंकि ये देख रहे हैं टोटल, और यहाँ पे टोटल दिख रहा है ना, इसलिए समरी में ले जाते हैं। इसको करते हैं पेस्ट, और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा छोटा छोटा, और छोटा में ये सबसे पहले तो ये जो आ रहा है फिगर, इसको करते हैं डिलीट। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये जो आ रहा है टोटल डेट आ रहा है, डेट को करते हैं डिलीट, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ इस पर क्लिक कीजिए और कीजिए इसको डिलीट, तो नंबर हट गया। सेल्स बाय डेट, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। अब प्रॉब्लम है कि इसकी कलर, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि चार्ट की जो फॉर्म, चार्ट के फॉर्मेट पे आता हूँ और फिल में मैं कर देता हूँ नो फिल, कि कोई कलर नहीं, सिर्फ हम इसका जो कलर है चार्ट की, इसकी कलर को हम कर देते हैं ग्रीन, या कोई और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या ग्रीन ये सही रहेगा, या फिर डार्क भी ले सकते हैं, ये भी ये सही है, राइट। और फिर पूरे एक एरिया, जितना दूर में मैं चार्ट को रखूंगा उतने एरिया में करता हूं बैकग्राउंड कलर। अब ऐसा क्यों किया मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इसको मैं कर देता हूं इसी में फिट, राइट। बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो अगर चार्ट की बैकग्राउंड होती तो मैं टाइप नहीं कर पाता ना सर, पीछे चला जाता, दिखता ही नहीं, इसलिए चार्ट की जो बैकग्राउंड थी वो हमने हटा दी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे हमने इक्वल सम किया, और सी डेली सेल्स में गए और जो हमारा रेवेन्यू का कॉलम है इसको ले लिया, क्या हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं वाइट कलर कर देते हैं बोल्ड, और इसको भी हम लेते हैं और कर देते हैं व्हाइट कलर एंड बोल्ड। और साइज को बढ़ाना है तो एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बढ़ाएंगे तो रो बढ़ जाएगा, इसलिए मर्ज करना सही रहेगा। मर्ज किया और हम इसको टॉप में रखते हैं, साइड में रखते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। अब इसको बड़ा कर दिए मिडल और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये होगी हमारी टोटल सेल्स। अब मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना है, और अपना जो रिपोर्ट है इसका, हाँ अभी हो गई। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी एक बार देख लेते हैं समरी में। नीचे मुझे एक एक रो छोड़ना है, रो को छोड़ना भी है, साथ में इसको छोटा भी करना है, और इसको लेना है एक दो तीन, तीन लेना है, और इसको भी सेम कलर कर देना है, चाहिए इसका भी सबका कलर कलर सेम होना चाहिए, ये भी कलर सेम है। अब यहां हम इसको मर्ज करते हैं, मर्ज, और इसमें लिखते हैं न्यू साइन अप या न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर, और इसको मिडल में करते हैं
और इसको वाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये पूरा एरिया में फिट हो जाए। और सेम चीज़ यहाँ करना है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टोटल, तो न्यू कस्टमर में यहाँ पे हम सम, और सम के जगह पे जो हमारा ये रहता है सेल्स बाय रीजन, न्यू ओल्ड दिख रहा है, न्यू ओल्ड उसको सेलेक्ट करते हैं, और न्यू वाले को कर लेते हैं सम, फिर सेलेक्ट, और इसको हम करते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ सेव किए, और इसको थोड़ा सा बड़ा करिए, 182। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे मर्ज हटाते हैं, अब यहाँ पे रेट मतलब कि टोटल सेल में न्यू का कितना है और ओल्ड का क्या परसेंटेज है वो दिखाना है हमें। तो यहाँ पे हम एक और सम करते हैं, सम, और सम में नहीं, सम में यहाँ पे काउंट होगा, काउंट काउंट ए, काउंट ए में जाते हैं डेटा में, और हम इसको काउंट कर लेते हैं रिपीट नीचे, तो इससे क्या हुआ कि टोटल मुझे यहां निकल गया कि टोटल कितना है, समझे सर? तो छोटा कर देता हूँ, हाँ, और ये जो मर्ज हमने किया है इसको मर्ज हटाना पड़ेगा फिर से, नहीं ये सही है, मर्ज सही है, दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे, और ये इसके सामने मैं लिख देता हूँ टोटल, टोटल परसेंट, तो साइज छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे परसेंटेज, तो इसका जो टोटल फॉर्मूला है इसको कॉपी करते हैं, और इक्वल ये जो टोटल आया हुआ है हमारा इस पे डिवाइड बाय ये फॉर्मूला कर देता हूँ, और इसको करता हूं परसेंटेज में, और इसको छोटा, इससे पता चलेगा कि हमारा कितना परसेंट रेवेन्यू है, थोड़ा सा बड़ा और कर, ठीक है ना सर? उसके बाद न्यू और ओल्ड में आते हैं, हम न्यू वाले को यहां से कॉपी करते हैं, जो न्यू वाला हमारा है इसको कॉपी, और हम से यहाँ पे समरी पे आते हैं, समरी पे आने के बाद मुझे यहाँ शो करना है कि न्यू का सेल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बड़ी चार्ट को लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको करते हैं पहले मर्ज, मर्ज, और हमारे पास इंसर्ट में एक स्पार्क लाइन होता है, ये रहा लाइन, अब इस लाइन में जाके हम जाते हैं न्यू ओल्ड में, बट प्रॉब्लम है कि न्यू ओल्ड से नहीं ले पाएगा, मतलब कि ए सिर्फ एक ही एक करेंट शीट से लेता है, पुराने शीट से नहीं लेगा, तो उसका भी उपाय है, हम न्यू ओल्ड पे जाते हैं, न्यू वाले को सेलेक्ट करते हैं, और इसका एक नाम दे देते हैं, NUW, इसका नाम दे दिए न्यू। अब हम यहाँ समरी पे आते हैं, और यहाँ स्पार्क लाइन लगाते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं इक्वल NUW न्यू, सो यहाँ डेटा रेंज है, नहीं तो साइड से बात है कि वो अलग सीट का रेफरेंस नहीं लेगा, तो हमारे पास एक रास्ता रह गया है कि हम इसी को कॉपी करते हैं, इस चार्ट को कॉपी करते हैं, और आते हैं समरी में पेस्ट करते हैं, और इतना बड़ा चार्ट थोड़ी रखना है, तो हम पहले तो सबसे पहले तो इसको सब डिलीट विलीट सब कर देते हैं, और इसके बाद जो है इसकी फॉर्म लाइनिंग वगैरह है वो भी हटा देते हैं, सब डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, सिंपल सा फॉर्मेट में इसकी लाइन जो है नो फिल, बैकग्राउंड नो फिल, यहाँ पे
नो आउटलाइन और नो फिल, पर नो फिल हो रहा है लेकिन एक फिल हट क्यों नहीं रहा है। तो ओके इसको एक मिनट, हाँ नो फिल, अब हुआ नो फिल। अब इसकी लाइनिंग को भी कर दीजिए नो लाइन, नो आउटलाइन, ताकि लाइन भी नहीं दिखना चाहिए। अब इसको कीजिए छोटा, लेकिन ये कलर दिख नहीं रहा। इस अब इसको इसको सेलेक्ट करके इसकी जो लाइन कलर है वो हम वाइट कर देते हैं, अब दिखेगा। अब कर दीजिए छोटा, थोड़ा सा और छोटा, अब परफेक्टली आ गया सर। क्या सर ठीक है? तो इससे क्या बोला, इसकी समझ में गाते सर, सेल्स का फ्लो दिख रहा है ना सर, किस फ्लो में हमारा सेल्स चल रहा है, तो ये सेल्स का फ्लो दर्शाता है। फिर एक रो छोड़िए, मैंने यहाँ पे वापस सेम चीज पेस्ट की और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिपीट कस्टमर। कस्टमर और यहाँ भी हम सेम कर रहे हैं, बट ये जो चार्ट हमने लगाया हुआ है, अब इसमें हमने सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अपने हम ओल्ड, यहाँ सबसे पहले यहाँ आते हैं डेटा में, ओल्ड डेटा में न्यू है तो बी है ना कॉलन, यहाँ पे ओल्ड में हमारा बी में, तो सी में हमारा रिपीट है सिंपल सा। तो हम अपने समरी पे आते हैं और इतना झमेला करने की जगह पर जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ वहाँ सी कर दीजिए सिंपल सा, हो गया। और यहाँ भी टोटल, डेटा एक बार देखने दीजिए इसमें कौन सा डेटा है। एफ, हाँ F by F करते हैं, इसमें माइनस वन करें। अब माइनस वन क्योंकि क्योंकि हेडिंग भी, क्योंकि मैंने पूरा कॉलम का रेफरेंस दे दिया इसलिए हेडिंग भी आ जाएगा। और वापस इसी फॉर्मूला को कॉपी कीजिए और यहाँ जहाँ पे आर एफ लगा हुआ है उसके जगह पे फॉर्मूला ये पूरा डाल दीजिए, क्योंकि नीचे कॉपी पेस्ट किया इसलिए आर एफ लग गया है सर, कुछ और कुछ नहीं है। 56% का हुआ है, अभी हमारा रिपीट कस्टमर। अब इसको भी करना है, इसका जो सेलेक्ट कीजिए ए भी चेंज करना है ना, तो जहां पे ए बाई ए तो रहेगा यहाँ पे सी बाई सी, बोलिए एक मिनट, एक मिनट देख लेता हूँ माइनस में गया, इसको एक बार ठीक कर देता हूँ उस पर भी आता हूँ सर। फॉर्मेट हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, ए माइनस 56 हो गया, जी 22 माइनस क्यों है? ओ, 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 ओ इसको ब्रैकेट नहीं किया सर, बोर्ड मास मेथड समझे, पहले डिवाइड देन देन कुछ होता है, अब सही है ना। अब आ रही आती है प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहां पे प्रॉफिट फिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, तो ये हमारे न्यू सेल्स में हमारा प्रॉफिट है, सोल्ड यूनिट है, प्रॉफिट तो है ही नहीं डेट के हिसाब से, तो मुझे भी यहां देखना होगा कि डेट वाइज हमारे पास प्रॉफिट कहां है। तो डेली सेल्स में ये हमारा डेट वाइज
प्रॉफिट, समझे। तो हम अब जो है यहां पे आ जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। अब यहां पे हम ये प्रॉफिट मार्जिन ऐसे नहीं होगा, इस पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन में करना होगा सिंपल सा, यहां पे कि सम, यहाँ पे सम के अंदर ये डेटा में मेरा प्रॉफिट जो है ए रहा, प्रॉफिट ए रहा, और सेल्स जो हमारा हुआ है वो है हमारा ए वाली कॉलम, यह हमारी सेल्स है, रेवेन्यू। तो प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिलीट कर दीजिए, सम, सॉरी सम लगाना है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ रेवेन्यू, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट मार्जिन 49% का प्रॉफिट मार्जिन है। इसमें कोई टोटल शोटल तो हमें चाहिए ही नहीं, कोई प्रॉफिट मार्जिन है सिंपल से। तो इसको एक तो मैं यहाँ एक पूरे करके मर्ज बीच में साइड में, सॉरी साइड में आ जाता हूँ। हाँ, इसको चेंज करना होगा, ये आपका जो जो है इसको चेंज करना होगा। तो ये जो यहाँ डेली का है ए टू से डेली सेल्सिस, यहाँ तो हम दोबारा से लगा लीजिए, या फिर सिंपल सा हम इसको चेंज कर देते हैं, जहाँ न्यू ओल्ड आ रहा है ना उसके जगह पे डेली सेल्स, सिंपल सा, तो कुछ नहीं। सॉरी, यहाँ सिंगल कोट छूट गया, ले लिया, लेकिन यहाँ भी दिक्कत है क्योंकि हमारे डेली सेल्स में हमारा प्रॉफिट डी कॉलम में, तो यहाँ ये तो ये रहेगा, ए सी जो है डी हो जाएगा। तो ए होती है, फॉर्मूला को चेंज करते हैं, तो बार बार लगाएंगे फिर उसकी छोटा बड़ा सब करेंगे, उससे अच्छा है कि आप उसकी फॉर्मूला के अंदर जो चेंजिंग है वो चेंजिंग कर दें। प्रशंसा जी, समझ में आ रहा है आपको, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन। अब चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं और कुछ नहीं करने वाला, अब जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा और कुछ नहीं, खास नहीं। सेल्स बाय रीजन है हमारे पास, तो इस रीजन वाले को कॉपी करता हूँ सेलेक्ट करके, कॉपी, और हम अपने समरी शीट पे यहाँ पे रखेंगे। और इसको छोटा करना होगा, बहुत बड़ा है। मैप चार्ट के लिए आपके पास दो चीज़ें, एक तो आपको लेटेस्ट एक्सेल होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरा इंटरनेट की कनेक्टिविटी। और चार्ट टाइप में यहाँ पे हम सेल्स शेयर इन इंडिया, ठीक है, ये इसको हटा देंगे। उसके बाद है कस्टमर शेयर, तो सेल्स बाय कस्टमर आ गया, सेल्स बाय प्रोडक्ट है, सेल्स कस्टमर नहीं, ये आएगा आपका सेल्स बाय शेयर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की जो शेयरिंग है प्रोडक्ट कैटेगरी का वो आएगा। तो यहाँ वो भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा गैप छोड़ के, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे एक चार्ट दिखाना है कि टोटल सेल्स का कितना, मैंने हमारा ये सेल्स का एक टोटल सेल्स रेवेन्यू दिखाना है, तो हमने टारगेट क्या अचीव किया था और टोटल सेल्स कितना हुआ वो हमें एक बार दिखाना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टारगेट होता है वो पर कस्टमर 50 क्वांटिटी का टारगेट होता है, राइट सर। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख देते हैं, टारगेट, तो जो टारगेट है हमारा यहाँ पे हम सिंपल सा
यहाँ टारगेट, तो यहाँ हम सिंपल सम का फॉर्मूला निकालते हैं और सम के फॉर्मूले में डेटा में से हम अपनी टोटल क्वांटिटी सेल कर देते हैं। अब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हमारा टारगेट है। और टोटल सेल कितना है हमारा, तो टोटल सेल जो हुआ हमारा वो यहाँ पे हम सम करते हैं। ये क्वांटिटीज है, क्वांटिटी के हिसाब से, और हमने यहाँ पे क्वांटिटी का सम कर लिया, तो ये हमारा टोटल सम आ गया। ओ सॉरी, सम नहीं होगा, ये काउंट होगा, काउंट। तो 18,000 हमारा हुआ, लेकिन 3700 हुआ, तो टारगेट अचीव कितना परसेंट। इसी को सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद मुझे ये चार्ट लेना है, बट ये चार्ट में कुछ साफ दिख नहीं रहा है ना, तो इसके लिए हमें सिंपल सा यहाँ पे एक बफर में बनाना है कि इनको सम करके, तीनों को सेलेक्ट करके, और फिर मैं इंसर्ट और ए वाली चार्ट बना दिया, राइट। अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गया, और ये आपका एंगल दिख रहा है, तो इसको 270 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे, तो जो ये जो आ रहा है ना टोटल, ये आधा नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे जो है 180 डिग्री के एंगल में चार्ट चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और अपने इसमें फॉर्मेट में गए, चार्ट फॉर्मेट में, और इसकी कलर को कर देते हैं नो फिल, बॉर्डर कर देते हैं नो फिल, सॉरी कलर को कर देते हैं नो फिल, और आपका बॉर्डर भी हो जाता है नो फिल। चार्ट टाइटल में यहाँ पे लिखते हैं टारगेट अचीव 50। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये चीज पहले नहीं आने चाहिए ना, मेरे ये चीज, तो ये चीज को ये आपका ए रहा गया, ये पहले वाली हो गई, क्योंकि मुझे बताना है कितना परसेंट टारगेट अचीव किया, थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, तीन अलग डेटा बने क्या, नहीं सही है, इसको डिलीट करते हैं, कैसे होगा, दोनों तो एक ही आ रहा है, एक सिलेक्ट पे वन, इसको सिलेक्ट वन, इसको क्या करना है। ओके, हमें इसका हाँ मतलब कि जो हाँ नीचे ऊपर करना पड़ेगा, और फिर इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, हम चले गए चार्ट, ठीक है सर, नहीं तीनों सेलेक्ट करना है ना, हाँ तीनों, ए भी ले सकते हैं, और इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसको 270 डिग्री के एंगल पे रखते हैं रोटेट, और थोड़ा सा साइज को करते हैं,
और फिर इस नीचे वाले को सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग जो है नो फिल नो आउटलाइन, ताकि हो जाएगा मेरा 370 डिग्री, मैंने कि ये हो जाएगा 180 डिग्री के ऊपर। अब इसको सेलेक्ट करके हल्का कर देता हूँ ग्रे कलर, और इसको सेलेक्ट करके डार्क ब्लैक, ताकि पता चले कि हाँ ये इतना फिल हो गया हुआ है। और यहाँ पे दे दीजिए टारगेट, इसमें टाइटल जो है ना, टाइटल ओ एक मिनट, टाइटल जो है मुझे खुद से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ टाइटल कितना आएगा, कितना परसेंट आएगा, तो हमने कर दिया 337 डिवाइड बाय 8, ये रहा 20%, राइट। और यहाँ जब सेलेक्ट करते हैं तो बीच में ब्लैंक आता है, सबसे पहला आता है टाइटल, तो हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एंटर प्रेस कीजिए, टाइटल शो नहीं किया, एक मिनट शो करेगा, टाइटल आ गया 20%। अब इसको यहाँ रखिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, अब इसको ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा इसको कसकाते हैं, थोड़ा सा इसको घसकाते हैं, इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग कलर कर लीजिए। अब देखिए इस समय लगता है थोड़ा टाइम, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे नहीं कि तुरंत बन जाता है। अब हो गई हमारी फाइनल, अब यहाँ पे सेल्स बाई प्रोडक्ट हो गया, टॉप 5 कस्टमर को उठाना है, और आपका समरी में टॉप 5 कस्टमर को यहाँ पे पैलेस कर देना, सिंपल। उसके बाद टॉप 5 कस्टमर जब आ जाएगा तब टॉप 5 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 प्रोडक्ट, और यहाँ से टॉप 5 प्रोडक्ट को कॉपी किया और समरी में गए, और यहाँ पे हम दे देते हैं टॉप 5 प्रोडक्ट, तो बन गई सर। अब यहाँ पे एक बात आती है यहाँ पे, कि हमें इसका अगर डिटेल, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि आपका लाइन बड़ा दिखेगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, ठीक है सर। अब आपकी रिपोर्ट हो गई फाइनल। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं, हाइपर लिंक, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट, इसको इंसर्ट यहाँ पे लिंक हो, एक मिनट, लिंक नहीं है, लिंक एक्टिव नहीं है, अच्छा इस पे लिंक, अच्छा इसको पूरा सेलेक्ट करें, और लिंक में हमें डेली सेल्स, पहले दिस डॉक्यूमेंट डेली सेल्स। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जैसे इस पे हम, अब देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे आ जाएंगे जहां मुझे पूरी डिटेल में दिख जाएगी, और फिर इसको सेलेक्ट करके पूरा चार्ट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर लिंक पर, और हमने डेली सेल्स को वहाँ पे समरी को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ये सेम चीज बाकी चार्ट पे भी आप कर लेंगे तो सही रहेगा, ताकि इस पे क्लिक करते वहां पहुंच जाएंगे, डिटेल देख लिए, वापस इस पे क्लिक किए हम वापस समरी पर आ गए, ठीक है सर। तो ये फाइल और रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी आप लोगों को मैं भेजता हूँ, और कल की क्लास में हम आपके साथ बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।